हेलो फ्रेंड्स, ऑलवेज हेड हमेशा अगर ये दोस्तों, मैं अमित जैन, हाई स्पीड सेल्स एंड सक्सेस कोच। दोस्तों, पॉलिसी करोना इस ट्रेनिंग में फिर से आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, एक हॉकी खिलाड़ी अपने शबाब पर था, इंडिया का ही, बहुत सारे गोल मार रहा था, हर जगह उसी का नाम। और दोस्तों बोल रहा था कि यार अब तो इंडिया को वर्ल्ड चैंपियन बनाना है। और एक बार ट्रेन में सफर कर रहा था, एक पीछे सैनिक बैठा था, गलती से गोली चल गई, पीछे लगी, हॉस्पिटलाइज हुआ, कोमा में चला गया। और वहां पर जब कोमा से वापस बाहर निकला तो पता चला कि अब उसकी जिंदगी भर नीचे का हिस्सा काम नहीं करेगा। बहुत परेशानी में आ गया, पूरा परिवार परेशानी में आ गया। और घर गया और एक भरोसा था कि मैं इंडिया के लिए खेलूंगा। एक इच्छा थी कि मुझे खेलना है। प्रयास करता था लेकिन उठ नहीं पाता था। लेकिन एक बार उसने अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछा कि यार वो मुझसे मिलने नहीं आई। बोले आई थी, फिर चली गई, न जाने क्या हुआ कि बोले अब मुझे प्रूव करना है अपनी गर्लफ्रेंड को कि मैं जीत के बताऊंगा। उसने प्रयास शुरू किए और धीरे धीरे वो बंदा उठा, धीरे धीरे टांगे चली और अच्छे से टांगे चली, फिर भागना शुरू हुआ, फिर और हॉकी खेलना शुरू हुआ। और करते 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 वापस एक दिन इंडियन हॉकी टीम में आ गया। और दोस्तों, उसका नाम है संदीप सिंह। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि हर जो जीनियस है उनकी जिंदगी में एक बार हार्ड टाइम फ्रेम आई है, जब बहुत कठिन समय आया है, उनकी एग्जाम हुई है और वहीं पर उनके अंदर की जो शक्ति थी वो उन्हें पता चली है। तो क्या हर कोई इंसान जीनियस होता है? हर कोई, हम तुम जो भी हैं, सब जीनियस होते हैं? हाँ, क्योंकि परमात्मा ने हमें एक ही मशीन के साथ भेजा है। और क्या सभी परफॉर्म जो करते हैं वो जीनियस की तरह ही करते हैं? तो नहीं, क्योंकि इस दिमाग का मैकेनिज्म सबको पता नहीं होता कि कैसे अपने आप को अनलॉक करना है इन परिस्थितियों में, कैसे रीस्टार्ट करना है। सबसे पहली सिंपल स्टेप, सेट अ गोल, जैसे संदीप सिंह ने किया था, मुझे इंडिया खेलना है। यार आपने हिम्मत ही हार गए, काम खत्म। सेट अ गोल, मुझे कितनी पॉलिसी करना है, कितनी मीटिंग करना है, एक गोल सेट कर लो। दोस्तों, ये जो दोनों चीजें हैं ना, जिन्न और दिमाग, दोनों बहुत पावरफुल होते हैं। लेकिन जब तक जिन्न को आदेश ना दो वो कुछ भी नहीं करेगा, और जब तक ब्रेन को गोल नहीं बताओगे वो एक्शन नहीं लेगा। एक काउंसलिंग के दौरान एक पिता मेरे पास आते हैं, बोलते हैं मेरे बच्चे का तो याददाश्त ही कमजोर है, उसको तो क्वेश्चन ही याद नहीं होते, बिल्कुल भी याद नहीं करता, एकदम बिल्कुल, मैं परेशान हूँ। आप जो देख रहे हैं उनमें बहुत सारे माता पिता होंगे और वो भी ऐसा ही बोलते होंगे। मैंने उनको बोला था कि यार आपके पास 2000 रुपए हैं? उन्होंने बोला हाँ है। मैंने कहा एक बार कोई अपने बच्चे को एक चैप्टर देना या दो चैप्टर देना और उसको बोलना कि दो चैप्टर याद कर ले तो 2000 रुपए मेरे से लेके चले जाना। विश्वास कीजिए, कुछ दिनों बाद उनका फोन आया, बोले सर 2 घंटे के अंदर एक लेसन याद हो गया। 2000 रुपए मिलने वाले थे, 2 घंटे के अंदर एक लेसन। दिमाग को गोल मिलना चाहिए, 2000 का गोल मिला, बच्चे ने याद करना शुरू कर दिया। दोस्तों, ये ब्रेन है और ये जिन है। जिन बोलता है आदेश नहीं दोगे तो काम नहीं करूंगा, ब्रेन बोलता है गोल नहीं बताओगे तो काम मैं नहीं करूंगा। क्या आपको इस समय नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं या फिर एक्शन लेने की इच्छा नहीं हो रही है? तो कहीं ना कहीं हम ब्रेन को गोल नहीं दे पा रहे हैं। सेट अ गोल। अब इस समय कोई बड़े गोल सेट नहीं करना है, बहुत बड़े गोल सेट नहीं करना है, कुछ एक्शन टारगेट सेट करना है। एक्शन टारगेट मतलब एक परिस्थिति होती है जब हम कार, गाड़ी, बंगला, इस तरह की शानदार गोल सेटिंग करते हैं, जो मैं धनवान भव कोर्स में पूरे अच्छे से सिखाता हूं। लेकिन हार्ड टाइम फ्रेम जब आता है ना, जब एक इंसान डीप चले जाता है तो सबसे पहले उसको सर्वाइव करना पड़ता है। सर्वाइव करने के बाद वो ऊपर की बात करता है। दोस्तों, यहां पर हमको पहले सरवाइव करना है, ऊपर की तरफ निकलना है, सभी से आगे बढ़ना सीखना है। तो धीरे से हम जहां पे हैं सभी, वहां से हमको ऊपर की तरफ आना है। तो एक्शन टारगेट सेट करना पड़ेगा, एक्शन टारगेट। और मैं बोलता हूं ये जो एक्शन टारगेट होता है ना, ये इस परिस्थिति में जब सभी के लिए विकट परिस्थितियां हैं, उस समय ये बिल्कुल ऑक्सीजन की तरह आपके लिए काम करेगा 100%। दोस्तों, एक सिंपल टारगेट देना चाहता हूं आपको, 3 महीने और 200 मीटिंग। दोस्तों, कोई मुझे देख के बोल रहा होगा क्या,
कोई बोल रहा होगा शायद कर सकते हैं, कोई बोल रहा होगा हाँ कर सकते हैं प्रयास करें, और जो बोल रहा होगा ना कि कर सकते हैं, कहीं ना कहीं उन लोगों ने हार्ड टाइम फ्रेम में मेहनत जरूर की होगी, और वही लोग ये बोल सकते हैं कि हाँ ये हो सकता है, और जिन्होंने नहीं किए ना प्रयास करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा। अगर आपने सोचा, ब्रेन को टास्क दिया, तो ब्रेन की शक्ति को शायद आप नहीं जानते, ये सब कुछ कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। अगर आपका सपना MDRT, COT या TOT करने का है, तो आज ही शुरू कीजिए NRI सेल्स ऑनलाइन ट्रेनिंग NRI धनवर्षा। इस मनी बैग गारंटी ट्रेनिंग NRI धनवर्षा के फ्री वीडियोस जरूर देखें। पूरी जानकारी के लिए अभी इसी नंबर पर कॉल करें 7440525252। बस आपको 3 महीने और 200 मीटिंग का टारगेट सेट करना है। और दूसरी बात जो मैं आपको अब बता रहा हूँ सिंपल है, ये चीज 10 लोगों को बताना है, अपनी पत्नी को, माता पिता को, बच्चों को, अपने सर को, डीओ को, अपने मैनेजर कि मैं ये मीटिंग अभी करने वाला हूं, आज से ये मीटिंग करने वाला हूं। कैसे होगी बाद में सोचना, सबसे पहले डिक्लेयर कर दो करने वाला हूं। ब्रेन का टारगेट सेट हो गया ना, तो फिर वो 200 छोड़ो, आप 300 भी कर सकता है, लेकिन एक बार सिंपल है, एक टारगेट सेट करो और वो 10 लोगों को बता दो, 10 लोगों को बता दो। बहुत सारे बंदे सोच रहे होंगे क्या ये काम करेगा, क्या ये काम करेगा। फिर मैं आपको वहीं पे ले जाना चाहता हूँ कि पॉजिटिव लोग जो होते हैं ना, वो कर जाते हैं, रिजल्ट दो तरह से आते हैं, शुरू कर देते हैं, रिजल्ट होगा या नहीं होगा। लेकिन नेगेटिव लोग, नहीं होगा तो जिंदगी में कभी नहीं होगा, और हम भी नॉर्मल फेल्यूर असफल लोगों की गिनती में जिंदगी भर पड़े रहने वाले हैं। तो एक बार तो सोचना ही पड़ेगा कि ये होगा, 100% होगा। और अगर नहीं भी हुआ, कैसे भी हो, तो मैं प्रयास तो करूंगा, मैं प्रयास करने वालों की दुनिया में मेरा नाम लिखाना चाहिए, मैं ऐसे ही हार नहीं मानने वाला। तो एक बार अपनी जिंदगी में इस प्रयास को कर लीजिए, 200 मीटिंग सबसे पहले बहुत सिंपल स्टेप है, दिमाग में सोच लीजिए 200 मीटिंग करना है 3 महीने के अंदर। दूसरी सिंपल स्टेप जो मैं आपको बता रहा हूं, सिंपल स्टेप है, 10 लोगों को बताना है। क्या आप वो काम नहीं कर सकते 10 लोगों को बताने का कि मैं 3 महीने के अंदर 200 मीटिंग करने वाला हूं? दोस्तों आसानी से एक बच्चा भी बता सकता है, तो हम भी सबको बोल सकते हैं कॉन्फिडेंस के साथ कि मैं ये काम करने वाला हूं, और मुझ पे विश्वास कीजिए, इजी स्टेप में सिखाने वाला हूं कि ये कैसे होगी, 100% ये 200 मीटिंग 3 महीने में कैसे होगी, ये मैं आपको 100% सिखाने वाला हूं। बट आपका कमिटमेंट है, आपने मुझे गुरु माना है, सेकंड नंबर पर मुझ पे विश्वास किया है कि सर जो बोलेंगे होगा, और तीसरे नंबर पर मेरे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने का आपने वादा किया है। तो ये छोटा सा काम आज से आप कर जाइए। दोस्तों पिछले वीडियो में फिर मैंने बहुत सिंपल स्टेप आपको सिखाई थी, क्या सिखाई थी, ब्लॉक योर नेगेटिव इनकमिंग्स, मतलब जितनी भी नेगेटिव इनकमिंग्स है हमको 3 महीने के लिए रोक देना है, रोक देना है। दूसरा, ब्लॉक योर नेगेटिव आउटगोइंग्स, हमको नेगेटिव बात एक भी नहीं करना है, पीछे क्या हुआ कैसे हुआ नहीं, फ्यूचर में मैं क्या करने वाला हूं, मैं आपको एक बात बता रहा हूं ना, आपको क्या बोलना है, मैं 200 मीटिंग करूंगा, मैं 200 मीटिंग करूंगा, सिर्फ इसी तरह की बातें कीजिए, क्या हुआ, क्या नुकसान हुआ, कैसे हुआ, सब बंद कर दीजिए। तीसरा, आपको पॉजिटिव लोगों से, पॉजिटिव बुक से 30 मिनट तक कनेक्ट होना ही होना है। और चौथा, हमेशा थैंक यू मोड में रहना है, क्योंकि थैंकफुलनेस ही हमें जिताने वाली है। तो दोस्तों ये स्टेप बहुत आसान है अगर आप सोचेंगे तो, अगर आपके मन में वाकई लक्ष्य कि आपको सबसे आगे निकलना है, तो दोस्तों ये काम बहुत सिंपल है, आपको करना पड़ेगा, क्योंकि पॉलिसी करो ना, इसके लिए तो सब हमें बोल रहे हैं पॉलिसी करो ना, पॉलिसी करो ना, इसके लिए बहुत छोटी छोटी बातें फॉलो करेंगे तो 100% होगी। अगर आपको विदेश में रहने वाले NRI यानी भारतीय नागरिकों को अप्रोच करना आ गया, तो दोस्तों वो आपको देंगे बड़ी पॉलिसी यानी ज्यादा इनकम। तो सीखे 10 से भी ज्यादा NRI अप्रोच टेक्निक्स सिर्फ NRI सेल्स ऑनलाइन ट्रेनिंग NRI धनवर्षा में। इस मनी बैक गारंटी ट्रेनिंग NRI धनवर्षा के फ्री वीडियो जरूर देखें, और पूरी जानकारी के लिए इस नंबर पर कॉल करें 7440525252।